नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कैलाश महादेव मंदिर के दर्शन कराए थे और दोस्तों अब मैं आपको मोटा महादेव मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और दोस्तों ये यमुना नदी का घाट है कैलाश के पास वाला, और ये जंगल है पूरा का पूरा। हाँ तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ मोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। और दोस्तों यह जो मंदिर है वो कैलाश मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी कच्चा है। अगर आप बारिश के दिनों में यहाँ पर आओगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी, और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो बिना बारिश के या फिर कुछ अच्छा मौसम देख कर ही आएँ। हाँ दोस्तों पिछली वीडियो हमने कैलाश मंदिर की बनाई थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। तो अभी हम चलते हैं सीधे मोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए, और आज हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मोटा महादेव मंदिर। पीछे आप देखेंगे तो यह महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ पर एक यमुना नदी का घाट भी बना हुआ है। और दोस्तों यह जो मोटा महादेव का मंदिर है वो कैलाश मंदिर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो उस मंदिर को मोटा महादेव क्यों कहते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। और यहाँ पर एक बगीचे भी, यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो आज सावन का पवित्र महीना है, चलते हैं और आज आपको मोटा महादेव के दर्शन कराते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, आपने यहाँ के दर्शन किए होंगे शायद, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी हम चलते हैं सीधे मोटा महादेव के दर्शन के लिए। सो दोस्तों ये है आगरा शहर का मोटा महादेव जी का मंदिर, अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना सतयुग में भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने की थी। दोस्तों वैसे तो आपने नॉर्मल शिवलिंग देखे होंगे जो कि साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो अपने आकार से मोटा और थोड़ा बड़ा होने की वजह से इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों महादेव जी जिन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से हम जानते हैं। और दोस्तों यह जो मंदिर है वो कैलाश मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। फिलहाल आप यहाँ के दर्शन करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें इस सावन के महीने में। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कराए मोटा महादेव जी के दर्शन, और यहाँ पर एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, और साथ ही आप देखेंगे तो पीछे की तरफ यमुना नदी का घाट भी है। अब मैं आपको यमुना नदी के घाट पर लेकर चलता हूँ, और मौसम काफ़ी अच्छा है, आज बारिश होने के आसार है। तो ये हैंडपम्प है, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और ये मोटा महादेव जी का मंदिर है, यहाँ के दर्शन मैं आपको कराए थे, और पूरा कच्चे एरिया बना हुआ है, मंदिर अब पक्का हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। उधर की तरफ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और इधर है यमुना नदी का घाट यानी कि यमुना नदी का किनारा। तो दोस्तों ये देख लो, ये है यमुना नदी का घाट जो कि ठीक महादेव मंदिर के पीछे की तरफ बना हुआ है। तो ये है यमुना नदी का नज़ारे। दोस्तों अभी हमने आपको कराए मोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।